हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू अपना खाना। आज हम देखेंगे धनिया को कैसे लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं और वो खराब नहीं हो। धनिया हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप देखेंगे ये हार्ट हेल्थ, ब्रेन के लिए, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए धनिया हमको रेगुलर यूज़ करनी चाहिए और जब तक वो हरी होती है उसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। चलिए आज हम इसको ही देखेंगे कि धनिया को कैसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रिजर्व कर। सबसे पहले जो आप धनिया लेके आए उसको अच्छी तरीके से छांट लीजिए। उसमें जो भी गंदगी हो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर गंदी लीव्स, सूखी हुई या गली लीव्स उसमें रह जाएंगी तो सारी धनिया खराब हो जाएगी। तो आप वो छांट के उनको अलग कर दी। आप धनिया डेली तो नहीं ला सकते हैं, तो जब भी आप धनिया लेके आए आप उसको इस तरीके से रखें कि वो फ्रेश रहे और वो सूखे नहीं। सबसे पहले धनिया को जब हमने बीन लिया उसके बाद उसके नीचे के जो रूट्स हैं उनको काट के हम अलग कर देंगे। उसके बाद उसके जो स्टेम रह जाती है नीचे का, थोड़ा थिक पार्ट रहता है, उसको भी हम काट के अलग कर देंगे। इस पार्ट का हम चटनी बहुत अच्छी बनती है इसमें, और धनिया के थोड़े पत्ते डाल के आप मिला के चटनी बनाइए, वो बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि इसका फ्लेवर इसके स्टेम में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इन लीव्स को प्रिजर्व करना शुरू करें। अब इन धनिया की पत्ती को हम एक छोटे छोटे पैकेट्स बना के टिश्यू पेपर में रैप करके, किचन टॉवल में अच्छी तरीके से रैप करके एक बड़े बॉक्स में रख देंगे। इनके छोटे पैकेट्स बनाने से ये होगा कि आपको जब भी निकालना है आप एक छोटा पैकेट निकाल के उसको यूज़ कर लीजिए। लेकिन इसको आपको बराबर चेक करना होगा कि ये मॉइस्ट तो नहीं हो गए हैं, गीली तो नहीं हो गए हैं रैप। उसको आप एक फ्रेश टिश्यू पेपर या किचन टॉवल में दोबारा रैप करके रख दीजिए और आप इसमें से बराबर निकाल के यूज़ करते रहिए। आप बीच बीच में बॉक्स को खोल के आप चेक करते रहिए कि टिश्यू पेपर गीला तो नहीं हो गया। अगर गीला हो गया तो आप नया फ्रेश टिश्यू पेपर उसमें लगा दीजिए। इवन मॉइस्चर उस बॉक्स में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे पत्तियाँ भी गीली हो जाएंगी और वो फिर सड़ जाएंगी। जब आप इन पत्तियों को पैक कर रहे हो, आप रैप कर रहे हो, तो आप देख लीजिए कि वो गीली नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप उनको थोड़ा सा सुखा लीजिए। धनिया को कभी भी धो करके रैप करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो गीली होंगी और वो फिर सड़ जाएंगी। ये धनिया जो मैंने पैक करके रखी थी उसको मैं बराबर यूज़ कर रही थी, लेकिन दो वीक के बाद भी आप देखेंगे इस धनिया की पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश थी और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी धनिया को भी मैंने ऐसे ही किसी टॉवल में रैप करके रख दिया और आगे के यूज़ के लिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।